हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम बात करने वाले हैं रेड स्कल के बारे में, जिसे लेकर इन्फिनिटी वॉर फिल्म के डायरेक्टर रूसो ब्रदर्स ने कुछ अपडेट दी थी। तो क्या है वो, चलिए देखते हैं। सो फ्रेंड्स, इन्फिनिटी वॉर फिल्म में सबसे ज्यादा शॉकिंग कैमियो था हमारे रेड स्कल का, जिसे देखकर काफी सारे फैंस चौंक गए थे, क्योंकि इन्फिनिटी वॉर फिल्म में रेड स्कल के अपीयरेंस को अचानक से दिखाया गया था। लेकिन प्रॉब्लम ये थी कि रेड स्कल के रोल को करने के लिए ह्यूगो वेविंग फिर से रिटर्न नहीं आए, क्योंकि ह्यूगो ने ये बात कन्फर्म कर दी है कि वो अब सुपर हीरोज की कोई भी फिल्मों में काम नहीं करने वाले। और उनका रिसेंट प्रोजेक्ट जो हमारे इंडिया में हिंदी में रिलीज होगा, वो है इमोर्टल इंजन्स, जिस फिल्म में वो विलेन है। और अब रेड स्कल का रोल कर रहे हैं रोज मार्क, जिन्हें हमने इसके पहले वॉकिंग डेड के टीवी शोज में देखा है। खैर, तो रूसो ब्रदर्स ने ये कंफर्म किया है कि रेड स्कल सोल स्टोन की ड्यूटी से बिल्कुल आजाद है और अब वो कहीं पर भी जा सकता है, क्योंकि जो सजा उसे मिली थी सोल स्टोन को गार्ड करने की, वो अब पूरी तरीके से खत्म हो गई है, क्योंकि थैनोस ने सोल स्टोन ले लिया है और अब बोरमियर प्लेनेट पर कोई भी सोल स्टोन नहीं है। ऐसे में अब रेड स्कल चाहे तो वो कहीं पर भी जा सकता है। लेकिन सबसे बड़ा पॉइंट ये है कि रेड स्कल असल में उस प्लेनेट से बाहर कैसे जाएगा। तो शायद मैंने इस पर पहले भी डिस्कशन की थी कि रेड स्कल वहाँ से उन लोगों की शिप लेकर जाएगा जो लोग वहाँ पर सोल स्टोन की लालच में आए थे, लेकिन वो लोग सोल स्टोन को नहीं ढूंढ पाए। लेकिन अब रूसो ब्रदर्स की इस बात से ये थियरी पूरी तरीके से गलत होती है। जी हाँ, क्योंकि रूसो ब्रदर्स ने ये बताया है कि असल में रेड स्कल एक सोल है, और अगर वो सिर्फ सीरम से बना हुआ ही एक सुपर विलन होता तो अब तक वो वॉरमेर प्लेनेट पर मर गया होता। लेकिन वहाँ पर उसकी सोल को बचाए रखा था सोल स्टोन ने, जिस वजह से वो अब तक वॉरमेर प्लेनेट पर बिल्कुल सही सलामत है, क्योंकि उसकी सोल का पूरा कंट्रोल सोल स्टोन के पास था। लेकिन अब सोल स्टोन ही वहाँ पर नहीं है, रेड स्कल चाहे तो वहाँ पर रुक सकता है या फिर वो उस प्लेनेट को छोड़कर कहीं पर भी जा सकता है। इतनी तो पावर्स अब रेड स्कल के पास है। तो मुझे लगता है ये डिटेल मार्वल फैंस के लिए काफी ज्यादा इम्पोर्टेंट है। और अब रेड स्कल से रिलेटेड ये भी सवाल उठे थे कि क्यों इन्फिनिटी वॉर फिल्म में रेड स्कल को ही चूज किया गया, जिसके जवाब में रूसो ब्रदर्स ने काफी अच्छा एग्जांपल दिया कि अगर कोई और वॉरमेर प्लेनेट पर होता और वो सोल स्टोन से रिलेटेड जो भी इन्फॉर्मेशन थैनोस या फिर ऑडियंस को देता, तो शायद ऑडियंस उस बात पर भरोसा नहीं करते। ऐसे में हमारे पास सबसे बेस्ट ऑप्शन रेड स्कल का ही था, क्योंकि लोग उसकी बातों पर काफी आसानी से भरोसा करेंगे और उसने वॉरमेर प्लेनेट पर इतने साल बिताए हैं, जिस वजह से उसे वहाँ पर काफी ज्यादा नॉलेज हो गया है उस प्लेनेट का भी और सोल स्टोन का भी, असल में सोल स्टोन काम कैसे करता है। तो शायद हो सकता है कि रेड स्कल की अगली मंजिल सारे के सारे इन्फिनिटी स्टोन्स ही हो, जिन्हें लेकर वो कुछ अलग करे। वेल, तो अब बस इस वीडियो में इतना ही। आपकी क्या राय है इस बारे में मुझे कमेंट कर जरूर बताइएगा कि रेड स्कल की और भी डिटेल्स जानकर आपको कितना अच्छा लगा। तो अब जाते जाते मेरे इस वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए, और लगे तो उस बेल आइकन को भी क्लिक कर दीजिएगा, ताकि मैं इस चैनल पर जब भी कोई नई वीडियो अपलोड करूँ आपको उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, टिल देन बाय।